बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलामुअलैकुम दोस्तों, कहानी प्लेटफॉर्म में खुशामदीद। अम्मा ने रोते हुए मुझसे कहा, तुझे मेरी कसम है, तू बता किसके इश्क में घुल रहा है। मैंने कहा, मैं एक सिदरा नामी लड़की से मोहब्बत करता हूँ। वो कौन है, कहाँ रहती है? मैं सिर्फ उसका नाम जानता हूँ, उसके बाद मुझे कुछ नहीं पता कि वो कहाँ रहती है, उसकी ज़ात क्या है। नाना ने चिल्लाते हुए पूछा तो मैंने नफ़ी में सर हिलाते हुए कहा, मैंने कहा ना आपको कि मुझे सिर्फ़ उसका नाम मालूम है। मैंने नाना से ज़बान चलानी शुरू कर दी, मैंने सिदरा को हर हाल में हासिल करना है। अम्मा ने आगे बढ़कर मेरे मुंह पर थप्पड़ मारते हुए कहा, दफ़ा हो जा मेरी नज़रों से। मैं इंतहाई जज्बाती अंदाज में कमरे में आ गया। मेरे पीछे अम्मा और नाना भी आ गए। नाना ने मुझे समझाया, बेटा फ़िलहाल तुम अपने कारोबार पर तवज्जो दो और ये अपने जहन से तसव्वुराती इश्क का खनास निकाल दो। कल से मेरे साथ मेरी रेड़ी में फेरी लगाओ और तुम कल से औरत बाज़ार नहीं जाओगे। फिर अगले दिन सुबह तक शाम नाना ने मुझे औरत बाज़ार से दूर गली कोचों में रखा। मैं दिली तौर पर बोर हो रहा था, काम में दिल नहीं लग रहा था। 3-4 दिन इसी तरह गुजर गए। फिर एक दिन नाना ने मेरी खामोशी और हालत को भांपते हुए कहा, बेटा करीम तुम अपने आप को संभालो। उन्होंने मुझे अपनी जेब से 1 रुपया दिया और कहा, लो इससे नो टंकी देखाओ। मैंने दिल में सोचा कि मैं असगर के पास उसकी दुकान पर जाता हूँ और उसे कहता हूँ कि वो भी मेरे साथ नौटंकी देखने चले। मैं उसकी दुकान पर गया तो वहाँ दुकान का नक्शा ही बदला हुआ था। उसने चंद दिनों में बड़ी खिलाफ तवक्को तरक्की कर ली थी। उसकी दुकान नए सामान से लबालब भरी पड़ी थी। मैंने आंखें फाड़ फाड़ कर उसकी दुकान को देखना शुरू किया तो उसने मुझसे पूछा, यार ये तू क्यों मेरी दुकान को अपने दीदे फाड़ फाड़ कर देख रहा है? यार ये तेरी दुकान की तकदीर कैसे चमक गई और गाहकों का अस्तहा कहाँ से आ गया? उसने कहा, सच बोलूं, मैंने एक बड़ा अजीब नाकाबले यकीन खांचा शॉर्टकट मारा है। कैसा शॉर्टकट? मैंने हैरानगी से पूछा। असगर ने अपने सेलमैन को आवाज़ देकर कहा कि वो उसकी जगह पर बैठे और फिर वो मुझे लिए दुकान के एक कोने में आ गया। कहने लगा, तू मेरा जिगरी यार है, तुझसे झूठ बिल्कुल नहीं बोलूँगा। ये जो तू मेरी दुकान की चमक दमक, गाहकों का रश और तरक्की देख रहा है, इसके लिए मैंने एक ऐसे शख्स को पकड़ा है जो कि जादू टूने के अमलियात करता है और उसी के जादुई अमल से मैं इस माली खुशहाली के दरवाजे में दाखिल हुआ हूँ। यार मुझे तो उस पर पूरा इत्तकाद है, तो देखना मुझे उसके जादुई अमल से और भी बहुत कुछ मिलेगा। यार मैं नहीं मानता, चला मैं तुझे अपने उस गुरु से मिलाऊँ जिसके अमल से मेरा ये कारोबार रातों रात चमक उठा है। असगर ने दुकान के थड़े के सामने खड़ी अपनी साइकिल उठाई और कहा, तू पीछे कैरियर पर बैठ जा, हम जल्दी वापस आ जाएंगे। थोड़ी देर बाद असगर की साइकिल एक ऐसे इलाके में दाखिल हो चुकी थी जहां आबादी बहुत कम थी। वहां के मकान एक दूसरे से दूर दूर तक थे। जूं जूं हम आगे बढ़ रहे थे माहौल में अजीब सी नेस्ती वहशतारी हो रही थी। उसकी वजह यह थी कि वहां अंधेरा और कब्रिस्तान जैसा सन्नाटा छाया हुआ था। मैंने खामोशी तोड़ते हुए कहा, यार असगर तेरा ये गुरु बड़ी अजीब और पुरसरार जगह पर रहता है। मुझे क्या रहता है तो रहे, मुझे तो मेरे काम से मतलब है। असगर ने एक तरफ अंधेरे में साइकिल रोकी। हमारी नज़रों के सामने एक ऐसा टूटा फूटा क्वार्टर मौजूद था जिसका सिरे से दरवाज़ा ही ना था, जबकि सामने एक छोटा सा सहन नज़र आया था। सहन के सामने एक कोठरी थी जहाँ से मध्यम सी किसी दिए से जलती रोशनी नज़र आ रही थी। तो सहन में आकर खामोशी से खड़ा हो जा, मैं सामने वाली कोठरी में अपने गुरु से मिलकर आता हूँ, जल्दी आना, मुझे यहाँ बहुत डर लग रहा है। मैंने कहा, हाँ हाँ मैं जल्दी आऊँगा। फिर असगर उस छोटी कोठरी में चला गया जबकि मैं अंधेरे सहन में खड़ा रहा। मुझे उस माहौल में शदीद वहशत और खौफ महसूस होने लगा। असगर को अंदर गए हुए देर हो चुकी थी, तकरीबन 20-25 मिनट से ज़्यादा हो गए थे। मैंने असगर को आवाज़ देकर बाहर बुलाना मुनासिब ना समझा। मैंने दिल में सोचा कि देखूं तो सही कि कोठरी में दोनों क्या कर रहे हैं। मैं दबे पाँव अंदर की जानिब गया तो वहाँ मैंने दरवाजे की झुरियों से झाँका। यह मंज़र देखकर मेरे पैरों से ज़मीन निकलती हुई महसूस हुई। मेरी आंखों के सामने मंज़र ये था कि असगर ने अपना अंगूठा एक काले से सूखे मरियल किस्म के बुड्ढे के मुंह में दिया हुआ था। दोनों ने अपनी आंखों को बंद किया हुआ था और वो बूढ़ा बड़े मज़े से बच्चों की तरह उसका अंगूठा चूस रहा था, जबकि उसके सामने एक कमज़ोर सा दिया जल रहा था। ये क्या हो रहा था? ये मंज़र मेरी समझ से तो बाहर था। मेरा दिल इतना घबराने लगा कि मैंने वापस जाने का फैसला किया। मैंने अपने कदम पीछे जाने के लिए मोड़े ही थे कि बूढ़े ने अपनी आंखें खोली
और उसने कमरे के अंदर से ही आवाज़ दी, तुम भी अंदर आ जाओ। मैं मज़ीद और घबरा गया और ये सोचने पर मजबूर हो गया कि उसे मेरी दरवाजे के पास मौजूदगी का कैसे पता चला। मेरे कदम इसी शशोपन में थे कि आगे बढ़ें या पीछे जाएं। मुझे आज भी याद है, असगर ने मुझे कहा था अंदर आ जा। बहरहाल मैं उस कोठरी के अंदर चला गया। गुरु जी, ये मेरा दोस्त करीम है, इसका भी एक मसला है, उसने मेरा तारुफ करवाते हुए कहा। मैंने असगर के अंगूठे की तरफ देखा तो उसमें से खून बहने लगा। उस पुरसरार माहौल में मेरा दिल तो डूबे जा रहा था। मैं दिली तौर पर उस माहौल से जल्द छुटकारा हासिल करना चाहता था। मेरी आमद पर बूढ़े ने न जाने क्यों अपने सामने पड़े हुए मध्यम रोशनी वाले चिराग को भी बुझा दिया। दूसरा ये कि वहाँ शदीद हब्स भी था। असगर ने मुझे कहा, गुरु के सामने चौकड़ी मारकर अदब से बैठ जा। मैंने चाहते हुए भी उसके सामने बैठ गया। गुरु का चेहरा मुझे नज़र नहीं आ रहा था। असगर चल, मुझे घर में कोई काम है। असगर ने मेरा हाथ पकड़ते हुए कहा कि सिर्फ एक मिनट बैठो। मैंने झुंझलाहट में कहा, नहीं नहीं, मैंने घर जाना है, नाना बीमार है, उनकी दवाई लानी है। तुमने मेरे पास बैठना है तो बैठो, जाना है तो जाओ, लेकिन मेरे सामने झूठ ना बोलो कि घर में तुम्हारे नाना बीमार हैं। मेरे इल्म के मुताबिक वो इस वक्त दो बूढ़ी औरतों के दरमियान एक मासूम बच्चे को अपनी गोद में लिए बैठे हैं, और जहाँ वो बैठे हैं वहाँ सामने एक बकरा बंधा हुआ है। अच्छा, अब तुम यहाँ से जाना चाहते हो तो जाओ, गुरुजी आप नाराज ना हो। ये दरअसल इस पुरसरार माहौल में घुटन और खौफ महसूस कर रहा है। नहीं, ऐसा नहीं है, हालांकि मेरा दिल वहाँ बहुत घबरा रहा था। अच्छा तू जा, लेकिन तू यहाँ मुझसे छुटकारा हासिल करने के लिए मुझसे झूठ बोल रहा है। फिर मैं और असगर जब उस बूढ़े गुरु के क्वार्टर से बाहर आए तो कम अज़ कम मुझे ऐसा लगा जैसे मैं किसी खौफनाक अंधेरी कब्र से बाहर निकला हूँ। मुझे राहत महसूस होने लगी। असगर बार बार अपना खून आलूद जख्मी अंगूठा देखकर तकलीफ के आलम में सी सी की आवाज़ें निकालने लगा। मैंने उससे कहा, यार असगर, ये क्या माजरा है, और ये तेरा गुरु तो अजीबोगरीब शख्स है। असगर ने तकलीफ सदा मुंह बनाते हुए कहा, तो फिलहाल अपनी ज़बान बंद रख, मैं ज़रा बाजार से दर्द कश गोलियाँ ले लूँ, उसके बाद मैं तुझे अपने गुरु की हकीकत बताऊँगा। उसने रास्ते में गोलियाँ ले ली, फिर उसने मुझसे कहा, चला किसी पुरसकून जगह पर बैठते हैं। फिर मैं और असगर एक जामे मस्जिद की सीढ़ियों पर बैठ गए। असगर ने मेरे कंधे पर हाथ रख कर कहा, यार करीम, तुझे जो बात बताने लगा हूँ अब तो ज़रा उसे गौर से सुन। मैंने कहा, कैसी बात? कहने लगा, आज मैं तुझे जिस बूढ़े शख्स के पास लेकर गया था उसके जादुई अमल की वजह से आजकल मेरा कारोबार तरक्की कर रहा है। उससे मिलने से पहले मैं अपने डूबते कारोबारी हालात की वजह से काफ़ी परेशान था। आज मुझे देख मेरा डूबा हुआ कारोबार कितने अच्छे तरीके से चल रहा है। उसके अलावा इस आदमी के जादुई अमल से मुझे और भी बहुत कुछ मिला है। यार एक बात मैं तुझसे पूछूं, तू बुरा तो नहीं मानेगा? मैंने तुझे तेरे गुरु की अंधेरी कोठड़ी में देखा था, वहाँ एक हल्की लू के जलते चिराग के सामने तू अपना अंगूठा क्यों गुरु के मुँह में दिए हुए था, और ये तेरे अंगूठे में से खून क्यों आ रहा है? मेरे इस सवाल पर उसने मुझे बड़ी कराहियत अंगेज़ बात बताई कि ये जादूगर शख्स मुझसे टका आना की शक्ल में कोई फीस नहीं लेता, अपने काम की ये सिर्फ कीमत इंसानी खून पीता है। मैंने उसे लान तान करते हुए कहा, तेरी अकल पर पत्थर पड़ गए हैं, इस अमल से तो तेरा मुसलमानी ईमान भी गया। असगर ने कहा, मैं मरता क्या ना करता, मेरे पास इस भयानक रास्ते के सिवा कोई रास्ता ना था। मैं उसे ये बार बार कहता रहा कि तू गलत आदमी पर एतकाद करके गलत डगर पर चल रहा है, नहीं मैंने गुरु की शक्ल में सही इंसान चुना है। अच्छा तेरी मर्जी, मुझे बहुत देर हो रही है, मैं जा रहा हूँ। असगर ने झुंझुलाए अंदाज में मेरे सामने एक अपने हाथों को जोड़ते हुए कहा कि खुदा के वास्ते मेरा गुरु और मैं अपने अच्छे मुस्तकबिल के लिए अच्छा काम कर रहा हूँ, इसके बारे में किसी को ना बताना। मैं वापस अपने घर आ गया। घर पहुँचा तो नाना सामने बैठे थे। उन्होंने मुझसे पूछा, तुम नौटंकी देखा है? मैंने झूठ बोला। खैर रात को जब मैं सोया तो मुझे ख्वाब नज़र आया कि सिदरा को गुरु ने अपने एक हाथ में पकड़ा हुआ है और दूसरे हाथ से एक इंसानी हड्डी खा रहा है, जबकि सिदरा उसके हाथों में जकड़ी घबराई और डरी हुई है और वो अपने वजूद को उससे छुड़वाना चाहती है। हड़बड़ाकर मेरी आँख खुल गई। मैंने अपनी आँखों पर ठंडे पानी का छींटा मारा। सामने लटकी घड़ी पर नज़र दौड़ाई तो रात के 3 बज रहे थे। मैं परेशान कुन सोचों के गर्दाब में उलझ कर रह गया। मैंने बहुत दिनों बाद सिदरा को ख्वाब में देखा था। मेरी बुझती हुई आतिश इश्क की आग फिर से भड़कते शोलों की सूरत इख्तियार कर गई। मैंने घड़ी की चौथाई में गुरु से मिलने का इरादा कर लिया।
मैंने बड़ी मुश्किल से सुबह का वक़्त गुजारा। सुबह के वक़्त सीधा असगर की दुकान पर पहुंचा। दुकान पर गाहकों का रश लगा हुआ था। मुझे देखकर कहने लगा, क्यों आया है? मैंने कहा, यार तेरा गुरु ठीक बंदा है, मेरा उस पर अब एतकाद पक्का हो गया है। वो कैसे? मैंने ख्वाब में देखा है कि सिदरा का हाथ तेरे गुरु ने पकड़ा हुआ है, और दूसरी जो बातें उसने नाना के बारे में बताई थी वो 100% सही थी। अच्छा तो बता, तू अब क्या चाहता है? यार मैंने तेरे साथ तेरे गुरु के पास जाना है, असगर बोला। मैं तो इस वक्त दुकान पर मसरूफ हूँ, तू खुद जाकर मिल ले। मैं वहाँ से गुरु के वीरान क्वार्टर में चला गया। क्वार्टर के दरवाजे पर देखा, वहाँ से एक जवान औरत निकल रही है। उसके सीधे अंगूठे से पानी की तरह खून टपक रहा था। कुछ इसी तरह का मंजर मैंने असगर के अंगूठों में भी देखा था। उसके अंगूठों में से शदीद खून टपक रहा था। मैं गुरु के टूटे फूटे क्वार्टर में घुसा तो वहाँ अजीब किस्म अंधेरे की नेस्ती छाई हुई थी। हालांकि उस सुबह अच्छी खासी चमकती हुई धूप निकली हुई थी। गुरु ने मुझे देखते ही कहा, करीम तू आ गया। जब उसने मुंह खोला तो उसके दांतों में अच्छा खासा लहू लगा हुआ था। उसको देखते ही मैंने सोचा कि वहीं से उल्टे पैर भाग जाऊं। आ हो गई तेरी ख्वाबों में तेरी प्रेमिका सिदरा से मुलाकात, तेरे नाना ने मेरी बात की तस्दीक कर दी। अच्छा ये बता, मेरे पास क्यों आया है? मैंने उससे कहा, गुरु जी मैं सिदरा के इश्क में इतना पागल हो गया हूँ कि अब मुझे उसके सिवा कुछ नज़र नहीं आता। खुदा के वास्ते कोई ऐसा मंदिर करें जिससे किसी न किसी तरह मुझे वो लड़की मिल जाए। सिर्फ मिलना चाहता है या उससे शादी करना चाहता है? गुरु ने पूछा। मैंने कहा, मैं उससे मिलकर उसे अपनी मोहब्बत का यकीन दिलाकर शादी करना चाहता हूँ। गुरु ने बड़े वसूख से कहा, अगर तू चाहे तो मैं तुझे सिदरा से मिलवा भी सकता हूँ, शादी भी करवा सकता हूँ। मैंने खुशी और जोश में कहा कि सच्ची? अच्छा अंदर आ, मेरी कोठड़ी में आ। गुरु कोठड़ी के टूटे फूटे दरों दीवार फर्श पर जगह जगह लहू की बूंदें वहाँ पड़ी थी। वहाँ अजीब सी सड़े हुए खून की बदबू आ रही थी। मैं तो ये मंजर देखकर मजीद घबरा गया। गुरु ने मुझे बड़े भयानक अंदाज में देखते हुए कहा, तेरा काम हो जाएगा, तेरे दिल की मुराद सिदरा तो जब मुस्तकिल बुनियादों पर मिल सकती है। मैं अपने काम की फीस पैसों की सूरत में नहीं लेता, और किसी सूरत में लेता हूँ। वो फीस की सूरत तुमको लाजमन असगर ने बता दी होगी। खून? हाँ हाँ इंसानी खून, गुरु ने बड़े शैतानी अंदाज में कहा। ये इंसानी खून आप किस तरह और किस हिसाब से पीते हैं? गुरु ने कहा, मैं वसूख से कहता हूँ, क्योंकि मैं तेरे चरणों में सिदरा को डाल दूंगा, लेकिन इसके लिए मैं तेरे अंगूठे के जरिए थोड़ा थोड़ा खून चूसूंगा, और जितना तू मुझे खून चूसाएगा मैं उसी रफ्तार से और वहाँ तक तेरा काम करूँगा। यह आपका वहाँ तक से क्या मुराद है? गुरु ने तफसील बताई कि मैं सिदरा को तेरे करीब बड़ी आहिस्तगी से लाऊंगा, बल्कि मैं क्या लाऊंगा, मेरे काबू में जो जिन्नात हैं ये उनका तरीका है। बस तू अपने काम से काम रख, ये तेरा मामला नहीं है। उसकी बात से मैं गहरी सोच में पड़ गया कि ये तो अपनी फीस मेरे खून की सूरत में मांग रहा है, वो मैं कैसे दूंगा? क्या सोचने लगा? मैंने अपना जहन झटकते हुए कहा, नहीं कुछ नहीं, मैं कुछ नहीं सोच रहा। गुरु मेरे मजीद करीब आ गया। उसने कहा, देख अगर तू इस बात से डर रहा है कि मैं तेरा खून चूसूंगा तो तुझे तकलीफ होगी, यकीन मान तुझे रत्ती बराबर भी तकलीफ ना होगी। ला अपना अंगूठा मेरे मुंह के करीब कर। नहीं मुझे इस तरह बहुत तकलीफ होगी। गुरु ने झट से मेरा अंगूठा अपने मुंह में ले लिया। उसके मुंह में मेरा अंगूठा गया तो मुझे वाकई रत्ती बराबर तकलीफ ना हुई। मैंने गुरु की शक्ल की जानिब देखा तो उसने अपनी आँखें पुरजोर अंदाज में बंद कर ली। मैंने उसकी जानिब से अपना चेहरा हटा लिया। गुरु ने मेरा अंगूठा 2 मिनट तक अपने होंठों में रखा, फिर बाहर निकाला। हाँ भाई तुझे तकलीफ हुई? नहीं, होगी भी नहीं, गुरु ने अपने खून लगे लबों से मुझसे कहा। छुरी तले सांस तो ले, सिदरा तुझे इतनी जल्दी थोड़ी मिलेगी, ज़रा धीरज रख। तू अभी जा और 2 दिन बाद तो खुद अपनी आँखों से मेरा करिश्मा देख लेगा। अगले दिन मैं हस्बे मामूल नाना के साथ रेड़ी लेकर फिर रहा था। अचानक मुझे बाजार के रश में थोड़ी दूर सिदरा अपनी सहेलियों के साथ नजर आई, जो कि औरत बाजार में थी। वो लम्हा मेरे लिए खुशकिस्मत था और बदकिस्मत भी था। खुशकिस्मत इस तरह कि मुझे काफ़ी अरसे बाद सिदरा नज़र आई थी, और बदकिस्मती इसलिए कि नाना मेरे साथ थे। अगर वो मेरे साथ ना होते तो मैं लाजमन सिदरा का पीछा करता। सिदरा मुझे काफ़ी अरसे बाद नज़र आई तो मेरे दिल में ये ख्याल आया कि इसका मतलब है कि गुरु को मेरा दिया हुआ थोड़ा खून रायगा नहीं गया। मैं उसी रोज़ गुरु के पास गया और मैंने कहा, मैंने आज सिदरा का एक धमाके की सूरत में दीदार किया है। गुरु ने कहा, तू जितनी मकदार में मुझे अपना खून चुसाएगा तू उतनी ही खूबसूरती से उसका दीदार कर पाएगा।
मैं उसी रफ्तार से तेरी चाहत को तेरे करीब कर दूंगा। मैंने कहा, गुरुजी आप जितना चाहे मर्जी मेरा खून चूस लें, लेकिन खुदा के वास्ते मुझसे सिद्रा की मुलाकात करवा दें। अगर तू वाकई दिल से ये चाहता है कि मैं तेरी मुलाकात करवाऊँ, तो क्या तू मुझे ज़्यादा खून चूसाएगा? हाँ गुरुजी, जितना आप चूसना चाहें। अच्छा बता, तू कब सिद्रा से मिलना चाहता है? मैंने कहा, मुझे आज ही सिद्रा से मिलना है। ठीक है, कल तेरी सिद्रा से अच्छे तरीके से मुलाकात करवा दूंगा। उस दिन गुरु ने अंगूठे के ज़रिए से काफ़ी देर तक खून चूसा। खून चूसने के बाद उसने कहा, तू अब जा, जल्द ही तेरी सिद्रा से मुलाकात हो जाएगी। मैं जब घर वापस आया तो मेरी तबीयत जिस्मानी कमज़ोरी की वजह से नकाहत ज़्यादा होने लगी, उसके साथ साथ चक्कर भी आने लगे, लेकिन मैंने अपने घर वालों को ये ज़ाहिर ना होने दिया कि मेरी तबीयत इतनी ख़राब है। खैर, दूसरे दिन शाम को अपनी चूड़ियों की रेडी लगाए मैं अपने मखसूस टहले पर खड़ा था कि शाम के तकरीबन 6 बजे सिद्रा अपनी सहेली के साथ मेरी रेडी पर आई। मुझे अपनी आंखों पर यकीन ना आया था कि वाकई वो सामने खड़ी है जिसके खातिर मैं अपने लहू की कुर्बानी दे रहा हूँ। अरे आप तो वही हैं जो मुझे औरत बाजार में मिले थे। जी हाँ, आपने सही पहचाना, मैं वही हूँ। आप कहाँ थी? मैंने अपनी दीवानगी में ये लफ्ज़ कह दिया। सिद्रा ने बहुत मासूमियत से मुझे देखते हुए कहा कि मैं आपकी इस बात से परेशान हो गई हूँ कि आपने ये क्यों कहा आप कहाँ थी। दरअसल मैं ये कह रहा था कि आपने उस दिन मेरी रेड़ी से अच्छी खासी चूड़ियाँ खरीदी थी। अच्छा ये बताएं, आपके पास इस किस्म की चूड़ियाँ हैं? लेकिन इस वक्त यहाँ नहीं बल्कि मेरे घर में मौजूद हैं। अच्छा, तो आप उन्हें कब लाएंगे? मैंने उसे प्यार भरी निगाहों से देखते हुए कहा। आप कहें तो अभी ला दूं। आप कहाँ रहते हैं? उसने पूछा। जनाब, मैं आपको हर सूरत में आपकी पसंदीदा चूड़ियाँ ला कर दूंगा। अच्छा, मैं कल आ जाऊंगी। मेरा दिल मचलने लगा। मैंने कहा, आप बेशक थोड़ी देर बाद आ जाएं, मैं आपको आपकी चूड़ियाँ ला कर दे सकता हूँ। अच्छा, आप मुझ पर इतने मेहरबान हैं, तो मैं तकरीबन 4 घंटे बाद आपके पास आ जाऊंगी। मेरी मतलूबा चूड़ियाँ लाजमन लाना, 3 दर्जन। वो मुझे पैसे देने के लिए मजबूर करती रही, लेकिन मैंने पैसे लेने से इनकार कर दिया। अच्छा, मैं 4 घंटे बाद आऊँगी, लाजमन ले आना। वो चली गई। मैंने उससे वादा किया था कि मैं उसे आज ही उसकी मतलूबा चूड़ियाँ ला कर दूंगा। अब मेरे सामने 2 मसाइल थे। पहला तो ये कि मैंने उससे मतलूबा चूड़ियाँ लाने का वादा किया था। उसका हल तो मेरे पास मौजूद था कि गिफ्ट बाजार में जाकर चूड़ियों के थोक के काम करने वाले से रابطہ करके सिद्रा की मतलूबा चूड़ियाँ तलाश कर लूँगा। लेकिन दूसरा बड़ा सवाल मेरे सामने ये था कि अपनी रेड़ी बाजार में किसके हवाले करूँ। रेड़ी को अकेला छोड़ना भी मुनासिब ना था, और मेरे जहन में एक तरफ सिद्रा के इश्क का भूत सवार था, दूसरा अंदेशा ये भी तंग कर रहा था कि कहीं मेरा सामान ना चोरी हो जाए। मैंने अपने आस पड़ोस में खड़ी रेड़ी वालों से कहा कि मैं 1 घंटे तक आता हूँ, तुम इस दौरान मेरी रेड़ी की देखभाल करना, लेकिन सब ने इनकार कर दिया। बड़ी मुश्किल से एक बुज़ुर्ग को मैंने राज़ी किया कि सिर्फ 1 घंटे के लिए वो देखभाल करे। उसने मुझे कहा कि वो नमाज के बाद रेड़ी की 1 घंटा के लिए देखभाल करेगा। वो भी अल्लाह का बंदा मस्जिद में ऐसा नमाज पढ़ने गया कि उसने वहाँ तकरीबन 1.5 घंटा लगा दिया। मैं उसका इंतज़ार करके सूखने लगा। 1.5 घंटे बाद वो मेरे करीब आया और मुझसे कहा, माफ़ करना बेटा, दरअसल मैंने कज़ा नमाज पढ़नी थी, उसमें ज़रा टाइम लग गया, लेकिन बहरहाल तुम अब जाओ। एक तो मुझे वहाँ देर हो गई, उसके बाद जब अपने बाज़ार जाने के लिए साइकिल रिक्शा में बैठा तो उसकी दरमियाने रास्ते में चेन उतर गई। रिक्शा चलाने वाला आदमी 15-20 मिनट उसे ही ठीक करता रहा। उसने चेन ठीक की तो थोड़ी देर बाद उसके रिक्शे का कमज़ोर टायर पटाखे से फट गया। मुझसे ये गलती हुई कि मैंने पैसे उसको पहले दे दिए थे। मैंने उससे कहा, मुझे पैसे वापस दो, मैं किसी दूसरे रिक्शे में बैठकर चला जाता हूँ। वो बंदा बड़ी चालाकी से कहता रहा, बस 2 मिनट। उसने 2 मिनट कहकर मुझे टाला और इसी तरह पंचर लगाने में मज़ीद 1/2 घंटा ज़ाया कर दिया। बहरहाल मैं किसी न किसी तरह सिद्रा की मतलूबा चूड़ियों की तलाश में फिरोज़ाबादी चूड़ियों के थोक के आड़ती के पास गया तो उसने बड़े नखरे के साथ कहा, इस वक्त मैं एक शादी में जा रहा हूँ, तुम कल आना। मैंने उससे कहा, मैं बहुत दूर से किसी ख़ास ग्राहक की फरमाइश पूरी करने के खातिर फिरोज़ाबादी चूड़ियाँ लेने आया हूँ। उसने लापरवाही से मेरा मजाक उड़ाते हुए कहा, तू जो चूड़ियाँ मुझसे मांग रहा है ये समर की चुगली खा रही हैं, तू अपनी किसी माशूका के लिए तोहफा लेने आया है। उसकी ये बात मुझे बुरी लगी, लेकिन मैं मसलहतन चुप रहा। मुझे 3 दर्जन फिरोज़ाबादी चूड़ियाँ दे दो। अरे मैंने तुझे कहा ना कि मैं इस वक्त एक शादी में जा रहा हूँ, मैं बहुत दूर से आया हूँ जनाब, खुदा के वास्ते चूड़ियाँ दे दें। उस आदमी ने बड़ी कमीनगी का मुजाहरा करते हुए मुझे टाल दिया। वहाँ मेरा घंटा ज़ाया हुआ। मैं बाज़ार में मायूसी के आलम में खड़ा हो गया। मैं अभी सोच रहा था, अचानक मेरे जहन में ये ख्याल आया
कि मुझे इस किस्म की चूड़ियाँ रज़ा चूड़ी फरोश से लेनी चाहिए, मुझे वहाँ ट्राई करनी चाहिए। लेकिन रज़ा की दुकान उस बाज़ार से तकरीबन 6 मील दूर थी। वहाँ पहुँचने में आधा घंटा दरकार था। मैंने वहाँ से एक रिक्शा पकड़ा। उस दिन मेरी किस्मत मुझ पर मेहरबान न थी। वो दिन मेरे लिए बड़ा अजीब परेशानी का था। मुझे अपनी मतलूबा मंजिल तक पहुँचते हुए तकरीबन घंटा लग गया। चूड़ियों का व्यापारी मुझे मिल गया। उसने मुझे मतलूबा चूड़ियों के सेट दे दिए। एक तरफ मुझे सिदरा की पसंदीदा चूड़ियों के मिलने की खुशी थी, तो दूसरी ये परेशानी थी कि मुझे अपनी रेड़ी तक जाने के लिए कम अज़ कम 1.5 घंटा चाहिए था। बहरहाल मैंने रिक्शे वाले को कहा कि मुझे मेरी मतलूबा मंजिल तक पहुँचा दे। वो रिक्शा चलाने वाला बड़ा चाको जो बंद था, उसने मुझे बड़ी तेज़ रफ्तारी से मुझे मेरी मतलूबा जगह पर पहुँचाया। मैं जब अपनी रेड़ी पर पहुँचा तो वहाँ बुज़ुर्ग ने कहा, तू कहाँ दफ़ा हो गया था? तेरी रेड़ी की देखभाल करते करते मैं सूख कर कांटा हुआ जा रहा था। खैर, जब उसका गुस्सा कुछ शांत हुआ तो मैंने उससे पूछा, मेरे पीछे कोई लड़की तो नहीं आई थी? हाँ, एक लड़की 2 दफ़ा रेड़ी के चक्कर लगा गई थी। उसने तेरे लिए पैगाम छोड़ा है कि वो कल आएगी। अगले दिन मैं उसका रात गए तक बेचैनी से इंतज़ार करता रहा, वो ना आई। बिलाखिर मैं इंतज़ार बसार के बाद मायूस होकर अपने घर आ गया। उस दौरान मुझे ये ख्याल आया कि मैं भी कितना बेवकूफ़ था। मेरे जहन में ये बात ही ना आई कि मैं कम अज़ कम उसके घर का एड्रेस ही ले लेता। दोस्तों, ये कहानी जारी है। अगर आपको आज की किस्त अच्छी लगी है तो कमेंट्स में ज़रूर बताएं और वीडियो को लाजमी लाइक करें।